सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज सोबिया फातिमा, एमबीबीएस थर्ड प्रोफेशनल स्टूडेंट। और आज है मेरा लास्ट वायवा, तो हम अभी हॉस्पिटल जा रहे हैं। हम लोग को हॉस्पिटल जाना है, ईएनटी का वायवा है। सो हम ईएनटी का रिवीजन कर लेते हैं हॉस्पिटल जाने से पहले, लेक्चर रैपिड रिवीजन खोलकर ईएनटी के लेक्चर्स, जिसमें कि ओटोस्क्लेरोसिस आ रहा है। तो हम सोचे ओटोस्क्लेरोसिस एक बार देख कर ही जाते हैं, अच्छे से रिवीजन हो जाएगा, उसके बाद 10:30 बजे तक निकल जाएंगे। नाउ रिमेंबर दिस इज अ ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज, 50% पेशेंट्स आल्सो हैव पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री। जैसा कि वायवा देने से पहले हमेशा रिवीजन करना इंपॉर्टेंट होता है, तो अपना रिवीजन वाला नोट्स भी हम ले जा रहे हैं। और जाने से पहले बिस्किट खा ले रहे हैं, क्योंकि सुबह सुबह ज़्यादा कुछ खाए नहीं, एप्पल और बिस्किट बस। और हम हो गए रेडी और अब चल रहे हैं नीचे। तो चलिए मेरे साथ वायवा देने के लिए। आज हम पहने हुए ऑल वाइट। सो गाइज, अभी हम नीचे आ गए हैं एंड आज हम बहुत खुश हैं, क्योंकि मेरा लास्ट वायवा है। पिछला दोनों वायवा भी बहुत अच्छा गया था, सर लोग तारीफ़ किए थे, ऑप्था का भी और साथ ही साथ पीएसएम का भी। और आज है लास्ट वायवा, दैट इज़ फॉर ईएनटी। एंड वो तो जा ही के पता चलेगा हॉस्पिटल में कि कैसे क्या हो रहा है। हम जा रहे हैं अपने स्कूटी से हॉस्पिटल और वहाँ जाके देंगे अपना वायवा, आप लोग को भी दिखाएंगे। और ये है मेरी स्कूटी और अब इस पर बैठ कर हमें स्कूटी चलेंगे अपने वार्ड हॉस्पिटल। ये ऐसे आज लास्ट वायवा है सेमेस्टर का, मेन एग्ज़ाम तो अगले महीने से स्टार्ट होगा, 6 सितंबर से थर्ड ईयर का फाइनल एग्ज़ाम होगा। एंड ऐसा नहीं है कि सब सेमेस्टर एग्जाम्स में हाफ सिलेबस आ रहा है, वायवा में ओवरऑल ही पूछ रहे हैं पूरा सिलेबस से। काम पर तो पढ़ लिए जितना सर लोग पूछने वाले हैं, बट वहाँ जाके दोबारा रिवाइज कर लेंगे। और हम फाइनली पहुँच चुके हैं ईएनटी वार्ड, आप देख सकते हैं बहुत सारे पेशेंट हैं। और अब हम आपको लेकर चल रहे हैं वहाँ, जहाँ सेमिनार हॉल में, जहाँ सारे स्टूडेंट्स एकत्रित हैं। हमारा ग्रुप भी पूरा वहीं पर पढ़ रहा है। वायवा स्टार्ट होने से पहले तो देखते हैं कैसा घर का माहौल है, लास्ट वाला है। मैं लास्ट डे का वीडियो बनाना था हमको। हाय सोफिया। हाय, ऐसे लोग अच्छे होते तो हाय कर। क्या पढ़ रही हो मैम? नहीं आप सर कुछ आज सर कुछ तुम कुछ मत बोलो, तुम्हारा आवाज नहीं आएगी। और आप देख सकते हैं हम हैं पढ़ते हुए, रिवाइज करते हुए, क्योंकि अभी टाइम है आधा घंटा। आई गेस हम पहले आ गए हैं वायवा स्टार्ट होने से पहले, तो हम पढ़ रहे हैं। एक बार एग्ज़ाम से पहले एक बार रिवाइज करना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमको। मतलब पढ़ सब लिए लेकिन होता ना दिमाग से ख़त्म हो जाना। अभी टाइम था तो हम कैंटीन आ गए कि कैंटीन में कुछ खा ले, लिट्टी खाए। दो ग्रुप जा चुका है, बाकी ग्रुप हम लोग पढ़ रहे हैं। इन लोग का करो, इन लोग का करो, पूरा बुक कंप्लीट होने ही वाला है। गाइज, मेरा वायवा खत्म हो गया, मेरा बहुत अच्छा वायवा गया। 5-5 के ग्रुप का वायवा हो रहा था एंड मेरा वायवा बहुत अच्छा गया। और अभी हमारे वहाँ सेंटर ऑफ से। सो गाइज, हम फाइनली रूम में आ गए, मेरा एग्ज़ाम खत्म हो गया, पूरा वायवा खत्म हो गया। फाइनली 7 सेमेस्टर इज़ ओवर एंड अब बस फाइनल एग्ज़ाम यानी कि यूनिवर्सिटी थर्ड ईयर का बाकी है, जो कि 6 सितंबर से स्टार्ट होगा। सो हम बता दें कि मेरा ईएनटी एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया। सर अलग टाइप से पूछ रहे थे, थोड़ा क्लिनिकल डायग्नोसिस टाइप से पूछ रहे थे कि अगर 6 ईयर ओल्ड बच्चा है, ऐसे ऐसे करके ईएनटी में पूरा लैरिंग सब पूछ लिए, वो ओटोस्क्लेरोसिस भी पूछे, सब कुछ ईयर वीयर सब पूछ लिए। ये तो अच्छा था कि मैं अच्छे से पढ़ के गया थे, सारे नोट्स सारे लेक्चर्स अच्छे से देख के गए थे, तो मेरा अच्छा गया। हम लोग के 5-5 ग्रुप बैठाए गए थे, तो 5 ग्रुप में हम लोग संजय सर लिए वायवा एंड अलग अलग तरह का टफ टफ क्वेश्चन भी पूछे, बहुत कुछ सीखने को मिलता है वायवा में। एंड आई होप कि मेरा ऐसे एग्जाम भी अच्छा जाए। फाइनल यूनिवर्सिटी प्रिपरेशन की वीडियोस डालते रहेंगे, आप लोग को बताते रहेंगे कैसे कैसे मेरी तैयारी चल रही है। आप मेरे साथ बने रहिएगा एंड देखते रहिएगा मेरे वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। बाय बाय।